अच्छा इनको प्रॉफिट भी आ रहा है, साथ ही यहाँ से काफ़ी अच्छा रिवेन्यू। 210 का रिचार्ज कराते हैं ना, तो हम जितने बार दिन में ले सकते हैं बैटरी, जितने बार हाँ, आपका मतलब ई रिक्शा चलाते हैं या लोडर चलाते हैं तो उन सब के लिए ही एक तरह से ये। नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्रचार प्रसार है इतना बृहद रूप में फैल गया है और इतना ज़्यादा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है कि आप यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं तो आपको जगह जगह चार्जिंग स्टेशन भी मिलता है और साथ ही स्वैपिंग सेंटर भी मिलता है। स्वैपिंग सेंटर किस तरह से काम कर रही है तो मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पहले से ही लाइक और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको मेरे सामने जो दिख रहा है ये सन मोबिलिटी का चार्जिंग सेंटर है जो काफ़ी जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आके बहुत से लोग आते हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को, ई रिक्शा को या अपने टू व्हीलर को यहाँ पे आके अपना बैटरी स्वैप भी करते हैं और यहाँ पे आके चार्ज भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या है। तो सन मोबिलिटी का जैसे ही आप देख रहे हो कि सन मोबिलिटी का यहाँ पे स्वैपिंग सेंटर भी है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह से हो रहा है और कैसे लोग चार्ज कर रहे हैं अपने व्हीकल को। तो यहाँ पे एथर का चार्जिंग स्टेशन भी है, यहाँ पे आके फास्ट चार्ज कर सकते हैं आप। एथर का जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे आके आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं। ये शॉपिंग फैसिलिटी यहाँ पे सन मोबिलिटी का मिल जाता है जहाँ पे आप आके अपने पुराने यूज्ड बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ से आप चार्ज मतलब फुल्ली चार्ज बैटरीज निकाल के अपने ई रिक्शा या टू व्हीलर में लगाकर आगे चला सकते हैं। तो यहाँ पे ये फुल फैसिलिटी मिल जाती है। अब ये आपका नाम क्या है? सुनील नाम है मेरा जी। क्या? सुनील नाम है। सुनील। सुनील, हाँ जी। कब से आप सन मोबिलिटी के बैटरी ये एक से डेढ़ महीना हो गया जी। एक से डेढ़ महीना? हाँ जी। कितने का आया था बैटरी ये? 12,500 का पड़ा है। ओके। 1,000 रुपये अकाउंट में आए हैं। ओके। जो बैटरी डलती है चार्जिंग की। ठीक है, अच्छे। और ये बैटरी एक बार चार्जिंग पे 40 किलोमीटर चलती है। ठीक है। और बाकी जो अभी दूसरी बैटरी आ रही है वो 80 किलोमीटर चलेगी। अच्छा, हाँ जी। ग्रीन इससे वाली। पहले कौन सा आप बैटरी यूज कर रहे थे? इससे पहले पानी वाली यूज कर रहा था, जो 4 बैटरी का सेट आता है जो गाड़ी के साथ आ रहे थे। अच्छा। अब उन्होंने मना कर दिया गाड़ी वालों ने, जो वो पास के तरफ मना कर दिया, पासिंग नहीं होती। सन मोबिलिटी के आप बैटरी यूज कर रहे हैं, हाँ जी, तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिल जाता है? फैसिलिटी ये है, जितना चार्जिंग करेंगे उतना ही बैटरी खर्चा होगा, उतना ही पैसा लगेगा। जैसे कि आपका 40 किलोमीटर चली, उन्होंने 40% बैटरी किया तो 40 रुपये खर्चा होगा, ज़्यादा नहीं खर्चा होगा। अच्छा, जितना यूज करोगे उतना खर्चा होगा, कहने का मतलब ये है। तो जैसे 12,000 में आपने बैटरी लिया, हाँ जी, और पर चार्जिंग के आपको क्या मिलते हैं या अनलिमिटेड चार्ज? अनलिमिटेड ये है, 210 का रिचार्ज कराते हैं ना, तो हम जितने बार दिन में ले सकते हैं बैटरी, जितने बार। हाँ, आपका मतलब ई रिक्शा हमेशा चलता रहे? हाँ जी, हमेशा 24 घंटे चले, 24 घंटे तक का वो है 210 का। 24 घंटे, हाँ जी। और बाकी जो हम अकाउंट में पैसे डलवाते हैं, बैलेंस डलवाते हैं, उसके हिसाब से 100 रुपये कटता है, जितना परसेंट चार्ज रहता है उतना पैसे कटते हैं। तो ऐसे ही आपको स्वैपिंग सेंटर कहाँ कहाँ मिल जाता है ये अभी? एक तो यहाँ पे पालम में है, साध नगर में। हाँ। और द्वारका में है, और यहाँ पे सेक्टर 1 में भी है। सेक्टर 1 में भी? हाँ जी। तो आप चलाते इसी रेंज में? हाँ जी, यही रेंज में लोग चलाते हैं जी। अभी आप सन मोबिलिटी से खुश हैं? हाँ जी, खुश हैं जी। ठीक है, वैसे तो खुश हैं। हाँ जी, कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई दिक्कत नहीं मैम। आमदनी बढ़ा है पहले LED बैटरी? आमदनी है अब थोड़ा, चार्जिंग पहले पूरी रात लगानी पड़ती थी पानी वाली बैटरी में, इसमें ये फ़ायदा है तुरंत बैटरी मिल जाती है, ये प्रॉफिट है और ज़्यादा चला लेता हूँ। चलिए ये जी, ये फ़ायदा है बस। तो फ़ायदा आ रहा है आपको? हाँ जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। अब इसकी सब्सक्रिप्शन के लिए आप देख सकते हैं कि चार्जिंग का कैसे मिलता है। तो रिचार्ज आप कर सकते हैं 210 रुपये में एक दिन, और अधिकतम इसमें जो स्वैपिंग कर सकते हैं वो लगभग 5 टाइम्स कर सकते हैं। इसी तरह से साप्ताहिक सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें आप 1401 रुपये में 7 दिन तक आप यूज कर सकते हैं, जिसमें कि 36 स्वैपिंग आपको मिल जाता है। और यहीं पे मासिक सब्सक्रिप्शन यदि ले लेते हैं तो सिर्फ 5400 रुपये में
आपका 28 दिन के लिए मिल जाता है अनलिमिटेड स्वैपिंग, लाइक 143 टाइम्स स्वैपिंग कर सकते हैं। और यदि आप इसको 40 किलोमीटर के का एवरेज भी लेके चलते हैं तो ये काफ़ी हेल्दी आपको रेंज मिल जाता है इस स्वैपिंग में। इसी तरह से आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ 210 रुपये में 24 घंटे गाड़ी चलाओ, तो जी हाँ, जो 210 रुपये आप देंगे उसमें 5 टाइम्स आप स्वैप कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि 24 घंटे में आपको 5 से ज़्यादा स्वैपिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप कितना मर्जी भी चलाओ। तो ये पूरी फैसिलिटी सन मोबिलिटी के तरफ से मिलता है। और जब हाँ 1 टाइम्स आप स्वैप करोगे तो ये 80 किलोमीटर चलेगी, तो आप समझ सकते हो कि 80 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 400 किलोमीटर चलाने का एक दिन में ये फैसिलिटी देती है सन मोबिलिटी। तो ये बहुत ही औसम है कि यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर रहे हो तो आपको इस तरह का यदि इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है तो कोई कंप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल डिस्चार्ज हो रहा है या इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी के समय में यदि सन मोबिलिटी स्वैपिंग की फैसिलिटी दे रही है तो ये हम सब के लिए बहुत बढ़िया है। और ख़ास करके जो बिज़नेस एक्टिविटी करते हैं, लाइक ई रिक्शा चलाते हैं या लोडर चलाते हैं, तो उन सब के लिए ही एक तरह से ये वरदान है। और कहीं पे भी आपको स्वैपिंग सेंटर मिल जाएगा, ऐप बेस्ड है, आप वहाँ अपने आसपास के लोकेशन पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई कहीं ना कहीं स्वैपिंग सेंटर मिलता है जहाँ पे आपके जाके। तो हमारे साथ राजकुमार जी हैं और ये यहाँ के ऑनर भी हैं, तो इन्होंने ही पूरा सेटअप लगवाया है सन मोबिलिटी का, इवन की एथर का भी आप सामने देख रहे हैं। और साथ ही भाई का पहले से यहाँ पे चार्जिंग नेटवर्क है जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर रहे हैं, और मोस्टली जो चार्ज कर रहे हैं वो ई रिक्शा को चार्ज कर रहे हैं, साथ ही पार्किंग की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। तो ये आपने कब इस्टेब्लिश करवाया है ये सन मोबिलिटी का? ये मैंने नवंबर में सेटअप करवाया था। अच्छा, नवंबर में सेटअप कराया है जी। तो इसको लगाने के बाद किस तरह से ये काम कर रहा है, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? ये जिसके पास जो बैटरी दी हुई है, जिस भी ड्राइवर को, वो उसके पास टोकन होता है, यहाँ स्वाइप करेगा टोकन, ओके, खाली डॉक खुलेगा, ओके, उसमें अपनी डिस्चार्ज बैटरी डालेगा कस्टमर, फिर चार्ज बैटरी बाहर आएगी, ओके, उसके बाद इसमें बैलेंस जो है वो दिखाएगा, कितने बैटरी आपकी लगी है, कितनी आपकी यूज हुई है, कितनी इसमें आपका चार्ज लगा हुआ जी। चलिए, बहुत अच्छा। साथ ही आपने एथर का भी लगाया हुआ है जी, तो वहाँ पे भी आके ऑटोमेटिक कोई चार्ज कर सकता है? हाँ जी, तो उसमें भी कोई भी चार्ज कर सकता है, एथर वाली जो स्कूटी है वो आराम से चार्ज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए सर। और राजकुमार भाई, ये बताइए कि आप ये जो आपने सेटअप किया है वो कब से किया है और कितने दिनों से यहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हैं? मुझे करीब 6 महीने हो गए हैं कि ये सन मोबिलिटी का 4 महीने से मेरे पास है। अच्छा अच्छा। और रिक्शा पार्किंग में करीब 6 महीने से चला रहा हूँ, और इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसमें कोई ऐसा नुकसान वाला काम नहीं है और फ्यूचर भी अच्छा है इसका। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ई रिक्शा का इन्होंने 6 महीने से कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा इनको प्रॉफिट भी आ रहा है, साथ ही यहाँ से काफ़ी अच्छा रिवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। तो आने वाले समय में यदि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाना चाहता है तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जाना चाहिए, उससे पेट्रोल की भी खपत बचेगी और पैसा भी बचेगा, पोल्यूशन से भी छुटकारा मिलेगा उसमें। अच्छा, पोल्यूशन से भी छुटकारा मिलेगा और साथ में आप इतना अच्छा फैसिलिटी दे रहे हैं जी, तो लोगों को भी लेने में और भी कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता जाएगा आने वाले समय में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये पालम में सेटअप है, तो इस एरिया में यदि आप आते हैं तो यहाँ पे भाई के पास आके चार्ज कर सकते हैं जी। और अपना स्वैपिंग सेंटर भी आपको मिल जाता है यहाँ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, टोकन लगाइए है, खुद से फुली ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है, सब चीज ऑपरेट खुद ही होगा इसमें, स्क्रीन पे सब चीज आ जाती है। चलिए, बहुत सही। आपका एडमिन वाला होगा तो एक बार करके दिखा दीजिए। तो ये यहाँ पे जैसे ही है, टोकन
लगाते हैं, ये ऐसे लगाया जाता है टोकन। अभी सिस्टम ऑफलाइन है, काम कर नहीं रहा है। अच्छा है, ये ऐसे टोकन लगाते हैं, ये डॉक खुलेगा, कोई भी जो खाली डॉक होगा ये खुल गया लग रहा है जी। जैसे ये हमने ये खोला है, ये डॉक खुल गया है, देखिए ये खुल गया। इसमें खाली बैटरी है, ये डिस्चार्ज बैटरी इसमें डालेंगे, ये डॉक बंद करेंगे हम, उसके बाद चार्ज बैटरी का वाला डॉक खुलेगा, वो निकाल लेंगे। चलिए बहुत अच्छा, नेटवर्क का इशू आ रहा है इसमें, तो इस वजह से थोड़ा काम करने में दिक्कत हो रही है, बाकी काम अच्छा करती है कोई। तो ये पूरा एरिया देख रहे हैं कि जो ये ई रिक्शा को यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट इन्होंने बनाया हुआ है, और यहाँ से ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे पहले पिछले 6 महीने से, और साथ ही अब जो एड ऑन इन्होंने किया है, ये सन मोबिलिटी का इनका ये स्वैपिंग सेंटर आ गया है, जहाँ से कोई भी आता है उस अपने बैटरी को यहाँ पे चेंज करता है, यानी यूज्ड बैटरी लाता है और चार्ज्ड बैटरी यहाँ से ले जाता है, और फिर अपने व्हीकल को और भी ज़्यादा चला पाता है। जब इस तरह का चार्जिंग स्टेशन आ गया है, तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल यदि कहीं पे डिस्चार्ज हो रहा है या दूसरी बैटरी लगाने की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो यहाँ पर आकर आप रिप्लेस कर सकते हैं, चार्ज बैटरी वहाँ पर लगा सकते हैं और अपने व्हीकल को और भी ज़्यादा चला सकते हैं। खास करके जो कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा हो गया है, जहाँ पे आप जैसे ई रिक्शा हो गया या थ्री व्हीलर हैं जो उसमें भी आने लगा है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप लिमिटेड नहीं है, ये ऐसे जगहों पे आके अपने बैटरी को स्वैप कर सकते हैं और भी ज़्यादा चला कर पैसे अर्न कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये चार्जिंग स्टेशन स्वैप और चार्जिंग स्टेशन कम स्वैपिंग सेंटर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो को देखते रहने के लिए, चैनल पे बार बार आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।